Hello dear friend, welcome to Pharmacom channel. Today I am discussing about British Pharmacopoeia. ठीक है, British Pharmacopoeia मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको Indian Pharmacopoeia के बारे में बताया है ना. Indian Pharmacopoeia के बारे में जितने भी उसके 8 के 8 एडिशन हैं अभी तक, ठीक है, उन सभी के बारे में मैंने बता दिया आपको. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में. बेसिकली इंडियन को छोड़ के बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट फार्माकोपियाज हैं, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उनके बारे में पढ़ना है लेकिन ज़्यादा डीप नहीं करना, बेसिक बेसिक पढ़ना है. ठीक है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात कर लेते हैं. ब्रिटिश, सबसे पहले ब्रिटिश का मतलब समझते हैं. ब्रिटिश आपके माइंड में आता होगा ब्रिटेन, है ना. तो बेसिकली ब्रिटेन इज नॉट ए कंट्री, ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है, ब्रिटेन इज ए पार्ट ऑफ यूरोप, है ना, कॉन्टिनेंट का सब कॉन्टिनेंट है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द यूरोप, अगर ये आपका यूरोप है तो इससे हटके थोड़ा सा एक यहाँ पे छोटा सा हिस्सा है ना, सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें आपके तीन कंट्रीज हैं, जिसको हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स बोलते हैं. इन तीनों कंट्री को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जबकि ये किसका पार्ट है, आपके यूरोप का ही पार्ट है. ठीक है, इसके यहाँ पर आपका आयरलैंड है, ऊपर आपका डेनमार्क हो जाता है, आई थिंक आपको ये सब पता होगा. ठीक है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का रीजन ऑफ रिलीज क्या है आपका, ग्रेट ब्रिटेन, जबकि यूरोपियन फार्माकोपिया पूरे के पूरे यूरोप के लिए मानी जाती है. इसमें आपका जर्मन, इटली, ठीक है, टर्की, ये सब चीज़ें आ जाती है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में. तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आपका आया था 1864 में, 1864 में सबसे पहले इसका फर्स्ट एडिशन आया था. लेकिन इसको भी समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया आपके तीन फार्माकोपिया का फ्यूजन है, ठीक है, या तीन फार्माकोपिया से मिलकर बनी है. जैसे कि आपके ग्रेट ब्रिटेन में तीन कंट्रीज हैं, तो तीनों कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया थी. जैसे कि स्कॉटलैंड की फार्माकोपिया को बोलते हैं एडिनबिंग फार्माकोपिया, दैट इज ई डी आई एन एडिनबी आई एन जी, यहाँ पर लिखा है आपका एडिनबिंग फार्माकोपिया. ठीक है, राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको सुनते जाइए. तो स्कॉटलैंड की आपकी थी एडिनबिंग फार्माकोपिया, जो कि आपकी 1699 में पब्लिश हुई थी. इसके बाद आपके डबलिन, ठीक है, डबलिन इज द आई थिंक द कैपिटल ऑफ वेल्स, तो डबलिन में आपका क्या था, डबलिन फार्माकोपिया, जो कि आपकी 1807 में पब्लिश हुई थी. इसके बाद इससे पहले आपकी पब्लिश हो गई थी लंडन फार्माकोपिया या लंडिनेंसिस फार्माकोपिया, ठीक है, लंडिनेंसिस फार्माकोपिया, जो कि लंडन की है और आपकी 1684 दैट इज 1684 में पब्लिश हुई थी. सबसे पहले आपकी स्कॉटलैंड की आई थी एडिनबिंग फार्माकोपिया, जो कि 1699 में आई थी, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आपकी आई थी लंडिनेंसिस फार्माकोपिया, जो कि आपकी 1684 में आई थी, 1684 में. उसके बाद आपकी आई स्कॉटलैंड में, जिसको हम बोलते हैं एडिनबिंग फार्माकोपिया, और फिर आपकी आई थी 1807 में डबलिन फार्माकोपिया. इन तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया आपका, ब्रिटिश फार्माकोपिया बनाया गया. ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एडिशन आपका 1864 में पब्लिश हुआ था. ठीक है, इसके अंदर आपके दो सेक्शन थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम होता है, यहाँ पर दो सेक्शन थे. पहला आपका क्या था, सॉरी, वॉल्यूम वहाँ पर भी होता है लेकिन इसके अंदर मेनली दो सेक्शन पर फोकस किया गया था. सबसे पहले सेक्शन को हम बोलते हैं मेटीरिया मेडिका, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दो सेक्शन थे, फर्स्ट पार्ट वन या फर्स्ट सेक्शन इज द मेटीरिया मेडिका. ठीक है, मेटीरियल मेडिकल इज लैटिन टर्म, मेटीरिया मतलब मटेरियल और मेडिका मतलब मेडिसिन. ठीक है, तो जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है आपके, मेडिसिनल मटेरियल है, उनके बारे में जानकारी थी. ठीक है, दूसरा पार्ट आपका था प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स. ठीक है, इसमें कि फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपके सेक्शन टू या पार्ट टू में थी. इसके बाद यह आपकी पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, जो आपका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था किसके द्वारा, जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, इस संस्था के द्वारा आपका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था. ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा एडिशन आया था, सॉरी, इन 1926, दूसरा एडिशन से पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कमीशन कब बनाया गया. जैसे कि इंडिया में कमीशन बना था ना आपका, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, तो 1926 में एक सब कमेटी, किसकी सब कमेटी, कमेटी ऑफ सिविल रिसर्च, कमेटी ऑफ सिविल रिसर्च की एक सब कमेटी, उप समिति ने क्या किया,
जनरल मेडिकल काउंसिल को अपॉइंट किया, जनरल मेडिकल काउंसिल को रिकमेंड किया, उनको सलाह दी या उनको बताया कि आप एक फार्माकोपिया कमीशन बनाइए जो कि आने वाले नए एडिशंस पर काम करना शुरू करे। क्या कहना चाह रहा हूँ, 1926 में कमिटी ऑफ सिविल रिसर्च की एक उप समिति या सब कमेटी ने जनरल मेडिकल काउंसिल को रिकमेंड किया, काउंसिल को रिकमेंड किया कि एक फार्माकोपिया कमीशन को बनाने की ज़रूरत है ताकि हम आगे का एडिशन पब्लिश कर सकें और अच्छे से उसको कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो इसके बाद सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड इन 1932। ठीक है, सब्सिक्वेंट एडिशन का मतलब क्या है, जो आपका प्रॉपर एडिशन आया था, ठीक है, जिसको किसने, फार्माकोपिया कमीशन ने बनाया था, 1926 में आपका कमीशन बन गया और 1932 में पहला एडिशन आया था जो कि फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा बनाया गया था या पब्लिश किया गया था। कोटेड। इसके बाद अब सीधा हम बात कर लेते हैं एडिशन्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट एडिशन 1864 में, दूसरा एडिशन 1867 में, तीसरा एडिशन आपका 1885 1885 में, फोर्थ एडिशन आपका 1898 1898 में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 1818 में जब मैंने इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पढ़ाया था आपको, वहाँ पर मैंने बताया था कि 1898 के दौरान आपके इंडिया में जो फार्माकोपिया यूज़ की जाती थी वो क्या थे, आपके ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो यही आपका फोर्थ एडिशन है जो कि इंडियन एडिशन के साथ में 1901 में इंडिया में भी पब्लिश हुआ था, समझ रहे हो, था वो ब्रिटिश फार्माकोपिया लेकिन चेंज किसके अकॉर्डिंग किया गया था, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, या इंडियन एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिफ्थ एडिशन आपका 1914 में 1914 में आया था, ठीक है, इसी तरीके से यह आता गया और एट्थ एडिशन आपका 1953 में आया था। ठीक है, 1953 के बाद आपके जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशंस हैं वो 5-5 साल के बाद पब्लिश होने लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको 6-7 नहीं बताया, डायरेक्ट 8 एडिशन बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस हुआ था कि अल्टरनेटिवली 5 ईयर के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स आपके एडिशंस पब्लिश होने लगे थे, जैसे कि आपका ठीक 5 साल बाद 1958 में आया, 1963 में आया, 1968 में आया एंड 1973 में आया। इनके बीच में आप देख सकते हैं 5-5 साल का अंतर है, लेकिन 1973 में थोड़ा चेंज किया गया, थोड़ा चेंज हुआ, जैसे कि 1973 के बाद आपका एडिशन आया 1980 में। ठीक है, 1993 के बाद कब आया, 1980 में आया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 7 साल का अंतर है। ठीक है, इसके बाद 1988 में आया, यहाँ पे 8 साल का अंतर है। ठीक है, तो थोड़ा चेंजेस होता गया। अब यहाँ पे क्या है, आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है 2000 के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसा चेंज हुआ जो अब तक चलता आ रहा है, जैसे कि बीपी का जो 2000 एडिशन है जो कि 2000 में पब्लिश हुआ था, तब से आज तक ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन एनुअली प्रत्येक वर्ष या पर ईयर पब्लिश होते हैं, एक एक साल के आपके अंतर में पब्लिश होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ गए। बीपी 2010 में क्या हुआ था आपका नोट, जैसे कि आपको पता है कि बीपी आपकी पब्लिश की गई थी जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसके द्वारा पब्लिश की गई थी, लेकिन बीपी 2010 के बाद चेंज हुआ और आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश की गई TSO के द्वारा। TSO मतलब द स्टेशनरी ऑफिस, सिंपल सा नाम है, द स्टेशनरी ऑफिस, TSO जो कि किसका पार्ट है, MHRA का। ठीक है, लेकिन ये चेंज किसके द्वारा किया गया, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटरी। ठीक है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटरी के द्वारा क्या किया गया, इस समिति से लेकर इस समिति के द्वारा उसको पब्लिश किया गया, जो कि क्या थे आपके TSO, दैट इज द स्टेशनरी ऑफिस, MHRA का पार्ट है। MHRA बहुत सुना सुना सा नाम है, क्योंकि इंडिया में आपकी कंपनी 3 या 4 बॉडी के द्वारा ही रेगुलेट होती है, जैसे कि FDA के द्वारा होती है, MHRA के द्वारा होती है, GMP के द्वारा होती है, WHO के द्वारा होती है। ठीक है, तो MHRA आपकी ब्रिटेन की कंपनी है, FDA आपकी यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है। MHRA का फुल फॉर्म होता है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। ठीक है, तो ये TSO आपके MHRA का पार्ट है, जिसके द्वारा सन 2000 या बीपी 2010 एडिशन आपका पब्लिश किया गया था। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिश फार्माकोपिया आपकी हर साल पर ईयर अगस्त में पब्लिश होती है, लेकिन इफेक्टिव होती है 1 जनवरी से, समझ गए,
हर साल अगस्त में पब्लिश होती है, लेकिन आने वाली 1 जनवरी से इफेक्टिव हो जाती है। गॉट इट। इसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती है, ठीक है, पूरे देश में अप्लाई इसको फॉलो किया जाता है। आप भी अगर किसी टैबलेट की स्ट्रिप को पढ़ते हैं तो उस पर 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, IP, USP या BP। तो BP का मतलब क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती है एज ए रेफरेंस टूल फॉर द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल, जैसे कि प्रोडक्शन के दौरान, क्वालिटी एश्योरेंस के दौरान, क्वालिटी कंट्रोल के दौरान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट के दौरान, एनालिसिस के दौरान, ठीक है। तो जितने भी फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड काम है, सब में आपकी फार्माकोपिया काम करती है और ब्रिटिश फार्माकोपिया भी यूज़ की जाती है। गॉट इट। तो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रिटिश फार्माकोपिया। बड़ा सिंपल सा है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसका रीजन ऑफ रिलीज क्या है आपका? ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर आपके 3 कंट्री है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। इन तीनों कंट्री के फार्माकोपिया को मिलाकर आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया बनाई गई, जैसे कि स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग फार्माकोपिया, आपकी वेल्स की डबलिन फार्माकोपिया और इंग्लैंड की लॉन्डिनेंसिस फार्माकोपिया, ठीक है। इन तीनों को मिला आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया बनाई गई। ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आपका 1864 में आया था, जिसके अंदर आपके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट मेटीरिया मेडिका, दूसरा पार्ट आपका प्रिपरेशन एंड कंपाउंड। इसके बाद आपका 1926 में आपका फार्माकोपिया कमीशन बनाया गया, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन में? आपकी सब कमिटी ऑफ सिविल रिसर्च के रिकमेंडेशन पे, जिसको रिकमेंड किसको किया था इन्होंने? जनरल मेडिकल काउंसिल को रिकमेंड किया था कि आप एक कमीशन बनाइए जो कि आगे एडिशन को पब्लिश करता रहे, ठीक है। तो 1932 में आपका सबसिक्वेंट यानी कि इस कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला पहला एडिशन कब आया था? 1932 में आपका, ठीक है। अब एडिशन्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड एडिशन 1864 में, थर्ड 1885 में, फोर्थ 1898 में, ठीक है, यही आपका इंडियन वर्जन में भी आया था। फिफ्थ आपका 1914 में और आपका 8th एडिशन 1953 में आया था। 1953 के बाद आपके एडिशंस 5 साल के बाद पब्लिश होने लगे, हर 5 साल के बाद पब्लिश होने लगे, जो कि आपका सिलसिला कब तक चला? 1958, 68, 63, 68 एंड 1973। 1973 तक यही शेड्यूल चलता रहा आपका, 5-5 साल के बाद पब्लिश होते रहे। लेकिन 1973 के बाद 7 साल बाद पब्लिश, दैट इज़ द 1980 में पब्लिश हुआ, और फिर 8 साल बाद 1988 में, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सन 2000 से या BP 2000 एडिशन से आपका जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है हर साल पब्लिश होती है। पब्लिश कब होती है? अगस्त में, और इफेक्टिव कब होती है? 1 जनवरी को। गॉट इट। इसके बाद BP 2010 आपका पब्लिश हुआ था TSO, ठीक है, किसके जगह पे? जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इस संस्था के अलावा किसी ने पब्लिश किया? TSO, जिसका मतलब क्या है? द स्टेशनरी ऑफिस, जो कि किसका पार्ट है? MHRA का मतलब क्या है? मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है। तो TSO के द्वारा पब्लिश हुआ। और ब्रिटिश फार्माकोपिया लार्जली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती है एज ए रेफरेंस टूल, ठीक है, कहाँ कहाँ पर? फार्मास्यूटिकल फील्ड में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल फील्ड में, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, मेडिकल साइंस, आपकी वेटरनरी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारी फील्ड में यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन स्पेशली हम फार्मेसी वाले हैं, तो हम बात किसके बारे में करें? फार्मास्यूटिकल फील्ड में। फार्मास्यूटिकल की हर एक ब्रांच में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा, सब जगह यूज़ की जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना इनफ है इसके बारे में पढ़ने के लिए। इसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता होगा तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। इसमें कोई डाउट वैसे रहेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका थ्योरी है, यह आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ से याद करिए या कहीं और से याद करिए। गॉट इट। राइटिंग की मुझे पता है राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है, फिर भी आप लोग अगर समझ में आता है तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं इसके नोट्स डाल दूंगा। अगर आप चाहेंगे कि सेम जैसा बोर्ड पे लिखा है ऐसे डालने हैं तो मैं ऐसे डाल दूंगा, अदरवाइज डिटेल्ड नोट्स भी डाल सकता हूँ। डिटेल तो आपको बुक में मिल जाएंगे, मैं चाहूँगा कि आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएँ ताकि आप उसको ईजिली रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।